अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी मैं अपनी गाड़ी पे आया और डीज़ल मुझे लेना था, गलती से पेट्रोल डल गया, जिसके बाद एक लेंथी प्रोसीजर। अच्छा जी, मैं जिस तरह से मैं फंस गया तो माजिद भाई आए और इनकी वजह से जो है ये काम मेरा हो गया, अदरवाइज़ ये गाड़ी रात भर यहीं खड़ी रहती। अच्छा जी, काशिफ ने मुझे कॉल किया और बताया कि यार बाई मिस्टेकली पंप वाले ही गलती से जो है वो डीज़ल गाड़ी में पेट्रोल डल गया। तो मैंने काशिफ को कहा, अच्छा हुआ ये कि सबसे पहले एक एहतियात करें डीज़ल गाड़ी वाले, तो एक ही डिस्पेंसर पे यानी कि एक ही उस पर दो नोजल्स लगे हुए थे पेट्रोल के और डीज़ल के, उसको बोला कि डीज़ल डालना तो उसने फिर भी पेट्रोल डाल दिया इसमें। अब बहरहाल ये हो गया, उसके हाथ से ब्लेंडर हुआ, उसने इंजेक्ट किया है और उसने फ़ौरन रोक दिया, लेकिन उसमें तकरीबन आधे लीटर से ज़्यादा या आधे लीटर के अराउंड में डीज़ल पेट्रोल जा चुका था। फिर हमने एक्सपर्ट से पूछा, एक्सपर्ट ने बताया कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट हेल्थी फॉर दिस इंजन, अगर इसमें अगर हम मजीद डीज़ल ऐड करके चला भी दें लेकिन फिर आगे फर्दर सेंसर्स में और गाड़ी के RPM में और इन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगेन फिर हमने दो तीन लोगों से कंसर्न किया, एक्सपर्ट से पता किया, उन्होंने बोला नहीं यार रिस्क नहीं लो, इंजन भी महंगा है और गाड़ी की फर्दर मेंटेनेंस में अगर कुछ काम आते हैं तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने बोला, फैसला किया कि इसका टैंक रिमूव करके टैंक से डीज़ल रिमूव करें। तो दोबारा डीज़ल क्या रिमूव होता, वो नीचे ड्रेन का जो है उसमें नट नहीं था, ऑप्शन नहीं था, वहाँ वॉल्व या बोल्ड नहीं लगा हुआ था। तो फिर हमने पूरा डीज़ल इसका फर्दर रात को उस वक्त हमने डीज़ल मैकेनिक जो है वो अरेंज करके और उसका पूरा टैंक उतरवा के वो क्लीन करवा दिया। अब इसका फिटिंग प्रोसेस है। तो बहरहाल डीज़ल गाड़ी का एहतियात यही है कि अगर आपकी गाड़ी में गलती से पेट्रोल जल जाए तो उसमें मेनली आपने सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है। गाड़ी स्टार्ट कर दी आपने तो फर्दर इसके अगेंस्ट में जो रिस्क फैक्टर है वो ये है कि इंजन जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, आपका ब्लास्ट करके फट जाता है, क्योंकि हाईली फ्लेमेबल होता है पेट्रोल और इसका डिज़ाइन और उसके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो दोनों में इसमें ये होता है कि ब्लास्ट कर जाता है इंजन, पूरा हेड वेड ब्लास्ट कर जाएगा, पिस्टन्स फट जाते हैं उस सूरत हाल के अंदर। तो इससे बड़ा एहतियात करें, कभी किसी गाड़ी के साथ ये हो जाए तो वो फौरी तौर पर गाड़ी को जो है वो स्टॉप कर दे और स्टार्ट ना करे। स्टार्ट नहीं करते तो कोई रिस्क नहीं है।